डिप्टी स्पीकर के रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्तों पर दोबारा समाअत। डिप्टी स्पीकर की जानिब से इरफान कादर ने वफाकनामा जमा करवा दिया। डिप्टी स्पीकर को तलब किया था, वो क्यों नहीं आए। जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तफसार, अदालत की मुआवनत के लिए मैं मौजूद हूँ। वकील डिप्टी स्पीकर इरफान कादर का जवाब, चीफ जस्टिस की तमाम गैर मुतल्लिका अफराद को अदालत से बाहर जाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत वीडियो लिंक वाले कोर्ट रूम में मुंतकिल कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक केस की समाअत फुल कोर्ट करे। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों की इस्तदा, इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहे हैं। आइन जमहूरियत और आवाम के हक के हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं होगा। फसलायत के स्या अंधेरों का डटकर मुकाबला करेंगे, मुश्तरका ऐलानिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब के बाद तीन बड़ों की अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली सरदारी और चौधरी शुजात की अहम बैठक। अहम सियासी अमूर और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। अदालती मामले में बेहतरीन वकला की टीम मुहैया करने पर इत्तेफाक। हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा हमजा शहबाज ने बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हमजा शहबाज से हल्फ लिया। तकरीब में अराकीन कौम और सूबाई असम्बली की शिरकत, इत्तेहादी रहनुमा भी तकरीब में मौजूद थे। शेर आया और एक जरदारी सब पे भारी किनारे। जरदारी ने कल आइन और जमहूरी इकदार के साथ खेल खेला। तारीख में आसिफ जरदारी का मनफी किरदार लिखा जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी मौत आप मर चुकी है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, असद उमर बोले, पाकिस्तान में सियासत पर मुसल्लत खानदानी निज़ाम खत्म हो रहा है। आवाम अब अपने फैसले खुद करेंगे, ये गिरते हुए निज़ाम की आखिरी हुचकियाँ हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने एक बार फिर हमें कामयाब किया। आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात का भी शुक्र गुजार हूँ। सब ने मिलकर जमहूरियत की मजबूती के लिए किरदार अदा किया। मखलूक खुदा की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज का बयान। मैंने शुजात साहब से पूछा था कि आपने कोई लेटर लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है, पर मैंने लेटर में ये लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को भी वोट ना दें। इस तो शुजात साहब के अल्फाज थे कल। तो मैंने कहा जी फिर इसका मतलब ये है कि आपका दिल है कि परवेज़ साहब अभी इलेक्शन ना जीते। उस पर उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल है कि परवेज़ साहब चीफ मिनिस्टर ज़रूर बने लेकिन इमरान खान के ना बने। चौधरी शुजात हुसैन पर बहुत दबाव था, उन्होंने वोट ना देने के लिए खत लिखा। मैंने दरख्वास्त की तो उन्होंने माजरत कर ली। शुजात हुसैन ने जवाब दिया, इमरान खान के उम्मीदवार का साथ नहीं दूंगा। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोहम्मद सिलाही की मीडिया से गुफ्तगू। मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका फैसला जो है वो फिल फॉर किया जाए। ये एक ऐसा बदबخت टोला और एक ऐसा शख्स जो कि मुसलसल कौम को झूठ बोल के गुमराह कर रहा है, जो हर वक्त झूठ बोलता है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है फॉरेन फंडिंग केस का जल्द फैसला सुनाए। बदबख्त टोला झूठ बोलकर कौम को गुमराह कर रहा है। इमरान खान पूरी कौम को तकसीम करना चाहते हैं। पीटीआई ने जिस फैसले पर खुशियां मनाई वही उनके आड़े आ गया। हमजा शहबाज के वोट 179 थे, वो अक्सरियत में आए और कामयाब हो गए। इमरान खान इलेक्शन जीत कर भी इदारों पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बदकिस्मती से 3 महीनों के अंदर वो दिवालियापन के बिल्कुल करीब आ चुका है। कल जो डिप्टी स्पीकर ने किया, जिस तरीके से आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, उसके बाद मुल्क में आइनी और सियासी तौर के ऊपर एक ऐसा माहौल है जैसे जंग के बाद एक हाल होता है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के खिलाफ है। चौधरी शुजादा खत डिप्टी स्पीकर की जेब से कैसे निकल आया। मुल्क जरदारी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका है। पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू।
पंजाब में कई माह से आईनी बहरान है। आईनी बहरान पैदा करने वाली सियासी जमातें किस मुंह से अदालत गईं। 25 अराकीन को डीसीट करके ज़िमनी इलेक्शन कराया गया। हमने हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम किया, कल आईन और कानून के मुताबिक कामयाबी हासिल की। अतातारट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान का मुकाबला अब नई मुस्लिम लीग नून से होगा। हमें मजबूर किया जा रहा है, रद्द अमल दें। इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाने की बातें कर रहे हैं। इमरान खान ने इदारों को धमकाकर मनपसंद फैसले लेने की कोशिश की, रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोना सिलाई समेत दीगर के खिलाफ 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। बैंकिंग जुराइम कोर्ट ने मोना सिलाई की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी। बैंकिंग जुराइम कोर्ट ने वकला के दलाल सुनने के बाद फैसला सुनाया। मोना सिलाई की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दुआ जहरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजने का मामला। अदालत ने दुआ जहरा को कराची भेजने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट रिजवान अहमद ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। मुदई मुकदमा मेहदी काजमी के वकला अहमद शेर जट और फहद सदीकी अदालत के सामने पेश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बेदिया रोड पर तेज बारिश से खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर दो अफराद जांभक रेस्क्यू 1122 की जानिब से ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जांभक अफराद की शनाख्त 40 साल दिलावर और 12 साल उम्र के नाम से हुई। जांभक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। शहर में होने वाली बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासर। बारिश के बायस लेस्को के 50 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। इस्लामिया पार्क, पोच रोड, रजवान गार्डन, ऐवान टाउन के इलाके बिजली से महरूम। बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों को शदीद परेशानी। शहर में निकासी आप के इंतजाम नामुकम्मल निकले। दो रोज़ कबल होने वाली बारिशों का पानी ताहाल जमा। राजपुरा स्कीम में पार्क्स और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पार्क्स और सड़कों पर पानी जमा होने से गंदगी फैलने लगी। हुकूमती ऐलानात के बावजूद यूटिलिटी स्टोर सब्सिडाइज अशिया से महरूम। रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर से दालें और बेसन गायब। सस्ते आटे की फराहमी भी शुरू ना हो सकी। नाम हीरो, कारकर्दगी जीरो। लंपी स्किन से सैकड़ों जानवरों की हलाकत। महकमा लाइफ स्टॉक की मुलाजमीन को नवाजने के लिए सिफारिशात। ईद उल अज़हा पर काम करने वाले मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह देने की सिफारिश कर दी। बल्दिया उज़्मा लाहौर 2022-23 का टैक्स फ्री बजट मंजूर। 16,72 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने मंजूरी दी। तरक्याती बजट का हजम 3,81 लाख रुपये रखा गया। कॉलेज असातज़ा को तरक्कियां मिल गईं। सिलेक्शन बोर्ड से मंजूरी के बाद 742 असातज़ा को तरक्की दे दी गई। असातज़ा को असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया गया। बारिशों से मुतासर ट्रेन शेड्यूल मामूल पर ना आया। कराची से लाहौर आने वाली कराकरम एक्सप्रेस 7 घंटे 55 मिनट लेट। अलामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन 7 घंटे 10 मिनट ताखिर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना।